मैं मैनपुरी जनपद से चल के आया हूँ और मैं इस पीड़ित परिवार की मदद के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं देख रहा हूँ जिस तरीके का ये नरसंहार हुआ है, तो मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बल्कि देश की निगाहें इस नरसंहार पर हैं और लगभग मेरा मानना है कि लोगों में पीड़ा है, लोग मदद का जज्बा रखते हैं और मदद करना भी चाहते हैं। उसी उद्देश्य से मैं यहाँ आपके हर आया हूँ देवरिया में इस पीड़ित परिवार की मदद करने। किस परिवार की मदद की है आपने? किससे मिले आप? जी, मैं पीड़ित के जो बड़े बेटे हैं, देवेश नाम है उनका, मैं उनसे मिलकर आया हूँ और आर्थिक मदद के रूप में भी मैंने थोड़ी की। क्या कितने का चेक दिया आपने? जी, मैंने 50,000 रुपये का चेक दिया उनकी आर्थिक मदद के रूप में। उन्होंने क्या कहा उसे? अब वो तो उनका कहना है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, हमें पैसे की आवश्यकता नहीं, लेकिन मुझे न्याय मिले, क्योंकि न्याय बहुत ही आवश्यक है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ लगे हुए हैं, निश्चित तौर पर उस परिवार के साथ न्याय। आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? पहले तो मैं एक समाजसेवी, उसके बाद में समाजवादी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम हरिओम मिश्रा है। पैसे का ही क्या करेंगे जब इंसाफ ना मिले, इंसाफ मिलेगा तो।